अपनी मतलब आप दे तहत लोगों की खिदमत कर देने, हुकूमत पिछे रह जाती हर मामले दी। हुकूमत सिर की करी, तुसी की कहोगे उन्होंने? देखो हेल्थ एजुकेशन दो जड़ी है, एक तो सूबाई मसला है, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट हायर एजुकेशन बिल्कुल तुम सही क्या, अगर उन्होंने यह चीज नजर नहीं आती, अगर साढ़े हेडमास्टर को रजिस्टर दिखावे कि इतों चीफ सैकटरी पंजाब लंघे इतों ऐसे सड़क अच्छा। अंदर आ गया देख के कि जो मौजूदा हालात ने उन्होंने तो उन्होंने कहा कि भाई ये खुदा ना हादसा कोई भी कोई मदरसा तो नहीं थे ऐसा। वो देख के हैरान परेशान हो गया कि इतने फ्लश सिस्टम लगा है, गरकियां ने तीन और रनिंग वाटर है, टर्बाइन लगी हुई है, बिजली लगी हुई है। उन्होंने कमेंट देखो जो रजिस्टर से लिख के चीफ सैकटरी पंजाब एक टके दी फ्री किताब या एक टके दा कोई किसी किस्म का बजट प्रोविंशियल गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट तो इस स्कूल नु नहीं। सिमिलरली मैं कह सकना कि जो होर भी पूरे सूबे च आने वो भी अनलैस के कोई पिछे एम एन एम पी उस इलाके का वह कोई अपना जाती इंटरस्ट होना कुछ मिलता होगा। हुकूमत की अखा बंद ने जिस तरह दूसरे मसाइल बंद ने खुलन गया किस तरह ये मेरा ख्याल है कि मीडिया ने कुछ थोड़ा जहाँ झंझोड़िया और ये काफ़ी देर का जिसल बंदा सुता होना उन्होंने काफ़ी देर एक बार झंझोड़न नहीं उठता, चार पाँच बारी झंझोड़ोगे तो उठेगा। मेरे कहने की लोड़ नहीं, तुम खुद मीडिया के किस्सा हो तुम देख ही रहे हो कि ये हाल ही सुते ने और आपस जिस तरीके लड़ रहे ने नूरा कुश्ती है क्योंकि रियल कुश्ती भी नहीं तो उन्होंने तो अपनी होश ही नहीं गई उन्होंने लड़ भी अपने मुफाद लोगों लड़ते हो जिदा खुशकशियां देख रहे हो जिस तरह तुम अनपढ़ जो लोग ने बेचारे गलिया चे सामने ने कोई जेडे मर्जी फिरोजपुर रोड से चले जाओ तो अनपढ़ मजदूर बैठे नजर आएंगे ये असी दिहाड़ी करनी हाल ही तक भी लिटरेसी रेट जरा बहुत है और 2% तो जी डी पी का हाल भी देने लगे हो तो की मौजदा देखना और जी 2% चो भी अगर तुम जे लोग जिते मदद कर रहे ने आप उन्होंने एक धिक्का लगाओ अपने अंबरेला के थले लगाओ खुद लगाओ ये ना एक्सपैक्ट करो कि वह तेरे को आके तो कैश कॉल लैके आन क्यों आन जी नहीं क्यों जान ब्यूरोक्रेसी के कोल स्कूल नू लैके या इस पिंड के बच्चों नू लैके कि तुसी करो इस वजह तुहाडी गल ठीक है सुते पए ने उन्होंने साउंड दिओ राव साहब तुसी उन्हां लोगों नू की पैगाम दोगे जिहड़े मुखय्यर ने ते अपनी जेबां ते अपने बैंक बैलेंस जिहड़े भरे जा रहे ने ते आवाम की खिदमत वास्ते वो कुछ भी नहीं कर रहे उन्होंने कोई पैगाम जरूर दिओ तुसी। देखो जी मैं पंजाब टैलीविजन की या दूसरे जिहड़े टैलीविजन चैनल के असले हजरात मौजूद ने मेरा उन्होंने यही पैगाम है कि देखो तुसी अपने लिए तो हर कोई रहिंदा तुसी कम से कम जो जे आस पास जी कम्यूनिटी के जो लोग गरीब ने या जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन्होंने को वसायल नहीं है उन्होंने चो एक कुछ हिस्सा छोटा जहा बेशक हिस्सा जोड़ा ना वो उन्होंने खुद अपने हाथ नाल उत्थे पहुँचाओ ये ना सोचो कि तुहाडे दरवाजे ते कोई आवे तो तुहाडे कोल आके कोई मंगे तो वो एक तुहाडा एक ऐसा सदका होएगा कि जिहड़ा जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलेगा और इंशाअल्लाह ताला किसी ना किसी स्टेज पर जाके तुहाडे पोते पड़पोते पड़पोते दे काम आ जाए। जी नाजी तुसीं साडा अज दा स्पेशल प्रोग्राम वेख्या, अज असीं जिला कसूर दे छोटे जे पिंड विच मौजूद सां, इत्थे डॉक्टर सलीम अख्तर साहब ने सानू इनवाइट किया सी शादमान एजुकेशन ट्रस्ट उहदे ज़िरे तमाम एक स्कूल अल इनायत कॉम्प्रीहेंसिव पब्लिक स्कूल के नाँ तों इत्थे काम कर रहा है। इत्थे जिहड़ी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सैरमनी सी उह तुसीं वेखी, नर्सरी तो दसवीं तक बच्चों ने इनामात हासिल किए, उन्होंने पोजिशन हासिल कीतियां। प्रोग्राम के आखिर में नाजिन मैं इन्ना कहांगा कि डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की बेशबहा खिदमात ने इस स्कूल के वास्ते खास तौर पर तालीम के मैदान में उन्होंने बड़ी खिदमात ने इतने जदीद तालीमी सहूलियात दिखाई गई ने। लाहौर बोर्ड के नाल इहदा इलाक हो चुका है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी नाल भी इहदा इलाक फ्यूचर के हो रहा है तो नाज़रीन सानू पूरी उम्मीद है कि इस प्रोग्राम देखने तो बाद साडे जिहड़े मुखय्यर हजरात ने वो भी अकल के नाखुन लैणगे, वो अपनी जेबा भरन की बजाय तालीमी मैदान के लोगों की खिदमत करनगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, पंजाब टीवी की प्रोडक्शन टीम के नाल अपने मेज़बान मुहम्मद अफजल राव ने इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।
ਸੁਣਿਆ।